पालकगण, स्नेह का स्टाफ और मेरे दिल के सबसे करीब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे और अन्य गणमान्य नागरिकगण, पत्रकार बंधु, आज के इस अवसर पर मैं सोचता हूँ कि सबसे पहला धन्यवाद इस पद को प्राप्त जो मुझे हुआ है उसके लिए किसे दूं, तो मैं सबसे पहला धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी बेटी सोनू को, क्योंकि उसके बिना शायद इस सेक्टर का मैं सोचता भी नहीं। दूसरा धन्यवाद करना चाहूंगा मैं इस शहर के गौरव आदरणीय डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी का, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे अवसर नहीं दिया होता इस पूरे देश में काम करने का तो शायद मुझे कोई जानता नहीं और इस मुकाम पे मैं पहुंचता नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने परिवार का, जिनका शब्दों में मैं धन्यवाद तो बयां नहीं कर सकता, क्योंकि निश्चित रूप से मनोज भैया राठी ने जो कहा था कि परिवार बहुत सेक्रीफाइस करता है, मैं 15 से 20 दिन घर पे नहीं रहता हूँ और पूरे देश में इन बच्चों के लिए क्या बेहतर हो सकता है उसका प्रयास करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी स्नेह संस्था की पूरी टीम को जो इस संस्थान को इस ऊंचाइयों तक लेकर है। आज के इस दिन के अवसर पर स्नेह की सह संस्थापक डॉक्टर नैना कृष्ण को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस संस्थान को इस तरह से सींचा कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों की पहचान बनी। स्नेह के सारे बच्चे, सारे अभिभावक जो हमेशा इस संस्थान को सहयोग करते हैं, इस शहर के व्यापारीगण, औद्योगिक घराने, मीडिया जगत, राजनीतिक जगत, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिनका स्नेह हमें ना मिला। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से हमारे देश के 302 अभिभावक संघों का जिन्होंने शत प्रतिशत वोटों से मुझे चुना और मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी दी। परिवार के बारे में बताना चाहूंगा कि परिवार अभिभावकों का जो संघ होता है उसका ये राष्ट्रीय परिसंघ है, परिवार नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। पूरे देश के 32 राज्यों में इस ये परिवार की संस्थाएं कार्य कर रही हैं। हमारे 6 जोन हैं, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन। ये 6 जोन के हमारे 6 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, एक राष्ट्रीय सचिव जिसको मैंने सुदीप गोयल के रूप में राजस्थान से नियुक्त किया है, हमारे राष्ट्रीय ट्रेजरर इंदौर के डॉक्टर दिवाकर शाह जो इंदौर गुजराती समाज के अध्यक्ष भी हैं, इंदौर गुजराती समाज एक बहुत बड़ा समाज है उसके वो अध्यक्ष हैं, उनको राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का दायित्व, क्योंकि कल ही मुझे अपनी कार्यकारिणी घोषित करना थी, हमने कल उसको घोषित किया है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में हमारे साथ हरियाणा की है अर्पिता जी, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नॉर्थ जोन का हमने नियुक्त किया है। हमारे सेंट्रल जोन से जबलपुर के अभय दुबे जी को लिया है, नॉर्थ ईस्ट से अरुणाचल प्रदेश के डॉक्टर गुलाब को हमने नियुक्त किया है, ईस्ट जोन से डॉक्टर तपन, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कलकत्ता से हैं। वेस्ट जोन की अगर बात करें तो हमने हमारे जयपुर से अनुराग जी को नियुक्त किया है, बिहार से हमारे साथी हैं। इस प्रकार से करीब 42 लोगों की कार्यकारिणी जिसमें 30 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर जो कि इलेक्टेड होते हैं वो हैं और 12 अन्य साथी होते हैं जिसमें टेक्निकल एडवाइजर के रूप में हमारे साथ नेवी के कमांडर डॉक्टर शिवरंग तिजुर, आर्मी से रिटायर्ड हुए कर्नल वी के गौतम, डॉक्टर पांडा, डॉक्टर
चेताली जो कि कलकत्ता से है वो पूरी कार्यकारिणी हमने कल घोषित की है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जो है, क्योंकि दिव्यांग जनों में बौद्धिक दिव्यांग श्रेणी ऐसी श्रेणी है जो बच्चे अपने खुद के लिए भी अपने बारे में बात नहीं कर सकते कि उन्हें क्या चाहिए, इसलिए इस संस्था के माध्यम से 28 साल पहले इसका गठन हुआ था। और इस संस्था का प्रभाव देखिए कि 1999 में सरकार को इस संस्था के कारण ही नेशनल ट्रस्ट एक्ट संसद में पारित करना हुआ। बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, देश विदेश में इस संस्था को अभिभावकों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलता है। 3 साल का मेरा ये कार्यकाल है जो 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिस उम्मीद के साथ मुझे दायित्व दिया गया है, इस संस्था का सबसे युवा अध्यक्ष बनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि अभी तक इसके जितने अध्यक्ष थे वे सब अपनी नौकरी से रिटायर होने के बाद इसके अध्यक्ष बने थे, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। और मैं प्रयास करूंगा कि हमारी सारे पेरेंट्स की जो चिंता होती है कि हमारे बाद हमारे बच्चे का क्या, इनकी देखभाल कौन करेगा, इनके लिए सरकार की नीतियां क्या होंगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह के कानून यूनाइटेड नेशंस में पास कराए जाए, क्योंकि हमारा एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन जो डिसेबिलिटी होता है जिसमें भी इस संस्था को पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है, हमारा इंटरनेशनल इंक्लूसिव फोरम है जहां पर भी हम इस संस्था की ओर से हम प्रतिनिधित्व करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में उसका केंद्र है, अभी इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न यूनिवर्सिटी के उसके अध्यक्ष हैं, तो ऐसे कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस देश को रिप्रेजेंटेशन करने का मौका परिवार के अध्यक्ष को मिलता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि उन अवसरों का हम भरपूर लाभ लेंगे, हमारे देश के अभिभावकों की जितनी समस्याएं हैं, क्योंकि जब हम यूनाइटेड नेशंस में उन समस्याओं की बात करते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन जब 2007 में हुआ था और इस प्रकार की बातों को उठाया गया था, उसी के परिणाम स्वरूप 2016 में इस देश की संसद को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित करना पड़ा। तो ये इस संस्था की मजबूती है कि इतने लोगों की आवाज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हम उठा पाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक और बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे इन बच्चों को अधिकार सम्मत बनाना, हमारे ये बच्चे इनके खुद के क्या अधिकार है ये समझे, ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों, इन बच्चों को समाज में सम्मान मिले। और मुझे खुशी है कि जिस वर्ष मुझे दायित्व मिला, हमने 2009 में स्नेह शुरू किया था, 2016 में मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, 2019 में संस्था को मिला, लेकिन इस वर्ष मुझे उन दोनों पुरस्कार से ज्यादा खुशी हुई जब हमारी संस्था के प्रमोद धन दुबे को 3 दिसंबर को राष्ट्रीय पुरस्कार से, मैं प्रमोद से रिक्वेस्ट करूंगा प्रमोद यहाँ आए, प्रमोद धन दुबे, ये इनको जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा तो स्नेको की स्थापना का वास्तविक जिसको कहना चाहिए उद्देश्य मुझे लगेगा कि हमने प्राप्त किया है, क्योंकि इन बच्चों को इस स्तर तक ले जाना और प्रमोद ने वो प्रदर्शित किया। डॉक्टर नैना कृष्ण आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी दिली इच्छा थी कि हमारे किसी एक बच्चे को एक बार जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और ये बच्चे इन सबका प्रतिनिधित्व दिल्ली में पूरे देश के अलग अलग दिव्यांगताओं के 20 बच्चों का चयन इस पुरस्कार के लिए हुआ है। और इस पुरस्कार के चयन के बड़े बड़े मापदंड हैं कि उसने क्या किया है। ये स्नेह में थे, ये जब आए थे अपना ट्रीटमेंट के लिए तब ये इनकी थेरेपी होती थी और आज ये लोगों की थेरेपी करते हैं। स्नेह को स्पोर्ट्स में और कल्चरल एक्टिविटी में इन्होंने
जिला संभाग और राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने प्रतिनिधित्व करके पुरस्कार दिलाए, वो सारी फाइल को देखने के बाद उस जूरी ने प्रमोद को चुना है, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। इनको 1,00,000 रुपए नगद और राष्ट्रपति से सम्मान पत्र 3 दिसंबर को दिल्ली में प्राप्त होगा। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो प्रमोद को बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्नेह के साथ कई सारे अंतरराष्ट्रीय फोरम काम कर रहे हैं। हमने नेपाल में शुरुआत की थी 4 साल पहले काम करने की, और लायंस के माध्यम से हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर खेतान साहब ने हमें कहा था, वो यहाँ आए और उसकी एक ब्रांच वहां शुरू हो चुकी है 15, 16, 17, 18 दिसंबर को। मैं, हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर सपना और हमारे साइकोलॉजिस्ट उज्जैन के जो है डॉक्टर जेपी शर्मा जी, हम तीनों लोग वहां जा रहे हैं उस संस्था को और मजबूत करने के लिए कि वो संस्था स्नेह की तरह कैसे चल सके। हम काठमांडू के पास वो संस्था स्थापित हुई है और 3 दिन हम वहां जाकर हम किस प्रकार काम करते हैं वो सब नो हाउ हम उनको देंगे। कुल मिलाकर स्नेह के माध्यम से इन बच्चों के कारण हम सब लोग देश और विदेश में हमारी ये पहचान बन रही है। मैं एक बार पुनः आप सभी का, स्नेह की मैनेजिंग कमेटी का, लायंस क्लब नागदा, लायंस क्लब नागदा ग्रेटर, सारी सामाजिक संस्थाएं, सारे व्यापारिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान, मीडिया जगत और बच्चे और अभिभावकों को सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आपका जो स्नेह सहयोग हमें मिलता है और विशेष रूप से मुझे जो प्यार आप देते हैं वह ऐसे ही देते रहे, हम इन बच्चों के लिए लगातार इस प्रकार काम करते रहेंगे ताकि ये बच्चे सम्मान के साथ इस देश में अपना जीवन यापन कर सके। और हमारी चिंता कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, वह उस चिंता को हम दूर कर सके, इन्हीं कामना के साथ आप सब ने मुझे जो आज इतना सम्मान दिया, मेरे परिवार को सम्मान दिया, उस सब के लिए आप सबका हृदय के गहराइयों से आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।